नमस्कार दोस्तों, भारत गौरव न्यूज में आपका स्वागत। मैं पवन कुमार मेरे सहयोगी के साथ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है, महेंद्रगढ़ शहर की एक ऐसी कोई भी सड़क नहीं है जो बिल्कुल सही थी, टूटी हुई नहीं थी। और उसी कड़ी में आज हम महेंद्रगढ़ विधायक राव दान सिंह जी से बातचीत करते हैं, क्योंकि महेंद्रगढ़ में सड़कों का काम है वो शुरू हो चुका है। महेंद्रगढ़ है विकास की गति की ओर जा रहा है, हम इनसे बातचीत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। जहाँ तक सवाल है सड़कों की टूटी फूटी होने का, पिछले 6 साल से सर ये तो अब बड़ी खुशी हो रही है कि महेंद्रगढ़ में सड़कों का काम शुरू हो रहा है। पहले धूल मिट्टी उड़ती थी, लोग आने से भी कतराते थे कि कैसा महेंद्रगढ़ है जी। हमारे सारे सड़कों की दुर्दशा हो चुकी थी जी। तो आम जो यहाँ से जन यात्रा करने वाला व्यक्ति था जी, वो इस बात से परेशान था कि उसका समय भी लग रहा है और गाड़ियों की टूट फूट भी हो रही है जी, और डीजल भी ज़्यादा जल रहा है, और सबसे बड़ी बात ये असुरक्षा भी है। क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि पिछले 3 महीने में 25 से 30 आदमी अपनी जान से हाथ धो चुके हैं, लेकिन सरकार के वो बार बार रिमाइंडर करने के बावजूद भी आज तक उनकी समझ में सोच में नहीं आई है कि ये काम इतनी प्राथमिकता है कि हमें यहाँ पर रोड ठीक करनी चाहिए। आज हमने प्रयास किया है सभी पार्षदों को लेकर के बातचीत करके कि भाई कम से कम महेंद्रगढ़, जिसकी बहुत अच्छी सड़कें होती थी आज से 6 साल पहले, 6 साल के अंदर इसकी इतनी दुर्दशा क्यों हुई, आज उसको देख करके ना पूरा यानी शहर जो है ना इस बात से चिंतित था। और उनका चुनाव के बाद में ये मांग थी कि किसी तरह से भी हमारे यहाँ की सड़कों को ठीक किया जाए। अब वो समय आया है जब इन सड़कों को ठीक करने के लिए हमारे पार्षदों के वार्डों को लेकर के एक एक वार्ड के जो पार्षद हैं उनको कहा गया है कि आप अपने क्षेत्र की जो जो समस्याएं हैं उनको बताएं, प्लस जो खास तौर पर सड़कें टूटी हुई हैं उनको दिखाएं, ताकि हम उनके लिए यहाँ से ठीक करके ना और इस शहर के रूप को वापस उसी तरह से बनाएं जैसा कि 6 साल पहले होता था। आपने देखा होगा या पार्क नाम की कोई चीज़ नहीं थी, हमने पार्क बनाया, पार्क के अंदर पानी देने के लिए ट्यूबवेल के अंदर मोटर जल चुकी थी, वहाँ के फुहारे आज भी आउट ऑफ ऑर्डर हैं, और वहाँ बैठने के लिए जो हमने छतरी लगाई हुई थी वो भी दुर्दशा में चली गई थी। अब 2 छतरियाँ वहाँ पर और लगाई गई हैं हमारे द्वारा, और इन छतरियों पे आम आदमी जो आते हैं बेचारे घूम फिर करके, बहुत से लोग तो विवाह शादी के लिए भी अपने बच्चों को लेकर के बैठ के 2 परिवार आपस में मिल करके और उस जगह पर डिस्कशन करते हैं। तो ये काम शुरू किया है। महेंद्रगढ़ में बहुत सारे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिन परिस्थितियों में महेंद्रगढ़ है वो मैं समझता हूँ बहुत ही चिंतनीय है। सर जैसे कि महेंद्रगढ़ में सड़क बन रहे हैं, विकास हो रहा है, काफ़ी बहुत खुशी की बात है, परंतु यहाँ पर एक निराशा भी है, क्योंकि कुछ व्यक्ति हैं जिनके घर सड़क के अंदर आ रहे हैं या जिसकी पैड़ी बाहर आ रही है, वो फूट रही है, तो वो विरोध भी कर रहे हैं, उसके बारे में क्या? विरोध करने की बात नहीं, अगर वो म्यूनिसिपल कमेटी की लैंड है तो उनको स्वयं तय इस बात के लिए सहयोग करना चाहिए जी। और म्यूनिसिपल कमेटी की लैंड नहीं है जी, तो म्यूनिसिपल कमेटी निश्चित तौर पर उसको नहीं डिस्टर्ब करेगी जी। तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है जी। हमारा कहना इतना ही है कि कोई इलीगल इंक्रोचमेंट जो है ना वो ना रहे, और स्पष्ट तौर पर सीधे रास्ते बना करके ना जो दुकानें हैं उनके सामने भी अच्छी सफाई के साथ सड़कें बनाई जाएँ, ताकि आने वाले कस्टमर को भी और आने वाले पैसेंजर को भी किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सर जैसे हम बातचीत करते हैं, जो पहले नेशनल हाईवे था, सरकार के द्वारा इसको स्टेट हाईवे बना दिया गया है, इसकी क्या दुर्दशा है? जैसे कि रोड का काम चला हुआ है, जैसे खड्डे हैं उसके उन्हीं को भरे जा रहे हैं, जैसे कि एक तरीके से हम कह सकते हैं ठेकले लगाने काम कर रही है सरकार, इसके बारे में क्या कहना है? बिल्कुल सही है कि ये रोड, पहले तो दुर्भाग्य है कि नेशनल हाईवे 148B के नाम से रखा गया था, उसको ख़त्म करके डीनोटिफाई करके अब स्टेट हाईवे में कन्वर्ट कर दिया। जमीन का अधिग्रहण कांग्रेस के राज में हो चुका था जब तो भूपिंदर सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे जी। लेकिन आज तक उस रोड को कंप्लीट नहीं किया गया, जबकि मंदोला से लेकर के नारनौल तक का रोड दुर्दशा में है। यहाँ मतलब हजारों व्हीकल यहाँ से गुजरते हैं रोजाना, और धूल मिट्टी इतनी है कि कम से कम भी 3 गाँव में तो मैं कह सकता हूँ कि एक आकोदा, एक महेंद्रगढ़ और एक आपका नांगल सिरोही, जहाँ पर लोगों का बैठना दुभर हो चुका है। वहाँ के दुकानदार ये कहते हैं कि अगर इसी तरह से धूल उड़ती रही तो हम टीबी के शिकार हो जाएंगे। हमने सरकार से गुहार किया, सदन में भी प्रश्न उठाया, हमने वैसे भी प्रश्न लगाया, सरकार ने आश्वासन भी दिया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी सदन के पटल पर कहा
कि हम इस रोड को या तो नेशनल हाईवे बना देगा, फोर लेन नहीं बनाता है तो स्टेट हाईवे बनता है, तो हम अपनी सरकार की तरफ से बढ़ा करके देंगे। लेकिन अफसोस इस बात का है कि आज तक डिप्टी चीफ मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के आश्वासन के बावजूद इस रोड की कोई गति को सुधारने का प्रयास नहीं किया गया। इसलिए आने वाले सदन में मैं इस बात को भी उठाऊंगा और मैं सरकार से रिक्वेस्ट भी करूंगा और मांग भी करूंगा कि तुरंत प्रभाव से अविलंब इसको ठीक किया जाए। सर, जैसे कि बढ़ती हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों के बारे में आप क्या कहोगे? देख रहे हैं कि प्रतिदिन पेट्रोल और डीजल की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ये बहुत चिंतनीय विषय है जी कि भाजपा सरकार ने, ध्यान होगा आपको, सिलेंडर के ऊपर भी बड़ा हंगामा मचाया था जब 350 रुपये थे जी, और अब 700-800, आज 700-800 से भी ऊपर हो चुका है। 125 तो बढ़ाते देर नहीं लगाते जी। ये तो उन गृहणियों की हालत है, उनसे पूछें जिनको उज्ज्वला का लालच दे करके, उनको प्रलोभन दे करके, उनको प्रेरित करके वोट के राजनीति तक तो काम लिया, लेकिन आज उनके घर में जब सिलेंडर आता है ना तो वो पेमेंट होती है, उस समय उनको इस बात को याद दिलाया जाता है। राजवाल डीजल का जब 2 रुपये 2.25 रुपये हम बढ़ा देते थे कांग्रेस राज में जी। तो यही भाजपा के कार्यकर्ता अपने कपड़े उतार करके नंगा प्रदर्शन करते थे कि सरकार ने ज्यादती की है आम आदमी के साथ, मजदूर के साथ, गरीब के साथ। मैं आज उनसे पूछना चाहता हूँ कि कभी हम सोच भी नहीं सकते थे 100 रुपये डीजल पेट्रोल टच कर सकता है, और अभी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि अपने जिम्मेवारी से पीछे हटना चाहते हो। वो कहते हैं इसमें सरकार का कोई रोल नहीं। अरे सरकार रोल क्यों नहीं? $147 पर बैरल जब हमने डीजल का वो लिया रॉ, यानी क्रूड ऑयल, उस टाइम भी 55-56 से ऊपर नहीं जाने दिया। आज $47 पर बैरल है और भाव 100 से ऊपर जा रहा है, तो ये जिम्मेवारी किसकी है? ये सरकार सिर्फ चंदे से चल रही है, ये सरकार सिर्फ टैक्स से चल रही है, ये सरकार डीजल और पेट्रोल के ऊपर से चल रही है, और लोगों के साथ में एक तरह से ये मैं समझता हूँ नाइंसाफी है कि इन लोगों ने एक तरीका अपनाया कि इस डीजल के सब्सिडी को कम कैसे किया जाए। वो सबसे बढ़िया जरिया ये था कि कोरोना की इस आड़ में उन्होंने डीजल का सब्सिडी खत्म करके पेट्रोल डीजल के भाव बराबर कर दिए, और ये बहुत चिंतनीय विषय है। इसी तरह से गैस के ऊपर सब्सिडी खत्म कर दी है, ये भी चिंतनीय विषय है। सभी सरकारी संस्थाओं को बेच करके प्राइवेट जो है कंपनियों के हाथ में दिया जा रहा है, ये भी चिंतनीय है। तो ये सरकार किस तरह की नीति रखना चाहती है? नाम तो नीति आयोग रखा है, लेकिन उस नीति आयोग का मकसद क्या है ये सिर्फ आने वाला चुनाव बताएगा, और आने वाले समय के अंदर लोग बताएंगे कि भाजपा ने जो वादे किए थे उनकी कथनी और करने में बहुत बड़ा अंतर है। लोग इस बात को समझ चुके हैं। आज जो अंततः देश का गरीब का पेट भरता है, मजदूर का पेट भरता है, सारी दुनिया के लिए मरता है, आज वो अपने विचार के लिए, अपने हक के लिए, अपनी लड़ाई के लिए रोडों के ऊपर खड़ा है, लेकिन सरकार एक क्षण के लिए भी सुनना नहीं चाहती, और ये खामियाजा सरकार को आने वाले समय में करना पड़ेगा। सर, जैसे कि अभी शायद एक सप्ताह पहले ही नारनौल के विधायक हैं ओम प्रकाश यादव, उनका बयान आया है कि वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले हैं, और उनका ये कहना है कि जिला मुख्यालय नारनौल ही रहेगा। इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए सर, जिला मुख्यालय नारनौल आज भी है, ये कोई नई बात नहीं है। हमारी मांग ये थी कि आप जिला मुख्यालय नारनौल रहने दें और नारनौल को जिला बनाएं, हमें कोई आपत्ति नहीं है जी। लेकिन महेंद्रगढ़ की गरिमा के साथ में खिलवाड़ ना हो, क्योंकि महेंद्रगढ़ जिला हेडक्वार्टर नारनौल के नाम से जाना जाता है। तो महेंद्रगढ़ वो इतना बड़ा था क्षेत्रफल में कि इसमें से 2 जिले नहीं 3 जिले बना दिए गए। आपका दादरी महेंद्रगढ़ का पार्ट था, आपका रेवाड़ी महेंद्रगढ़ का पार्ट था। आज हम कहते हैं कि महेंद्रगढ़ और नारनौल को अलग जिला बना दें, जिसके अंदर कनीना, महेंद्रगढ़ और सतनाली एक, और नांगल वो आपके नांगल चौधरी, नारनौल और अटेली एक, दोनों जिले बन सकते हैं। दोनों के पास बराबर के सब तहसील हैं, बराबर के ब्लॉक्स हैं, बराबर की जनसंख्या है, बराबर के गांव हैं। इनसे भी दोनों को अलग करने के बाद भी इनसे छोटे को, जैसे दादरी और पंचकूला को आपने पहले से जिले बनाया हुआ है, तो हम तो यही चाहेंगे। तो आप मंत्री जी कहें या हम कहें, हमारी मांग सिर्फ एक है, हमारे एक जिले के 2 जिले बढ़े। तो सर, जैसे कि बार एसोसिएशन जिला मुख्यालय है उसके लिए धरना चला रहा था पिछले काफ़ी दिनों से, परंतु अचानक ये हुआ कि उसमें 2 गुट हो गए, एक ने धरना वापस ले लिया, एक धरना चला रहा है अभी भी, उसके बारे में क्या कहोगे? मैंने ये पता नहीं किया है कि धरना अभी जारी है या नहीं। पता ये लगा था कि मुख्यमंत्री ने कोई आश्वासन दिया है
कि यहाँ पर एक दिन जिले के अधिकारी बैठेंगे, DCSP और ADJ कोर्ट भी यहाँ लगेगा। और उन्होंने इसी आश्वासन के साथ में वकीलों ने कहा था हम आज आपकी इस धरने को उठाते हैं। हाँ, जो प्रधान जी हैं उन्होंने अपना जो धरना था वो समाप्त कर दिया। जो बाकी वकील हैं, कौन आदमी आज बैठे हैं जी, वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे ये पता लगा है कि कुछ लोग उसमें बैठे हैं। कुछ वकील साथी भी हैं, कुछ सामाजिक जो संगठन के लोग हैं वो भी हैं, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो बैठे हुए हैं अभी धरने पर। तो अब ये निश्चित तौर पर नहीं कह सकता कितने आदमी बैठे हैं और उनकी क्या बात रही है जी, कि अभी तक उन्होंने पहले धरना समाप्त किया, दो लोगों ने, आज भी कुछ लोग बैठे हुए, वो पता करने पर। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी।